सुबह बखैर मेरे आका। सुबह बखैर पारगली, शिकार खेलने चलते हैं, आज मौसम खुशगवार है। मेरे आका, मुझे कुछ मसले दरपेश हैं, इजाजत हो तो उन्हें हल कर लूं, उसके बाद आपके साथ शिकार में शरीक हो जाऊंगा। मसले जैसे ही खत्म हो फौरन पहुंच जाना। आका, एक बहुत उम्दा बात आई है जहन में, लेकिन न जाने आपको भी पसंद आएगी कि नहीं। कहो पारगली। आईने में आपका अली वकार चेहरा देखकर ख्याल आया मुझे, क्यों ना नए महल में आपकी एक तस्वीर आवाज़ा की जाए। एक मुसव्विर का तस्करा किया था आपसे, लियो किरम से आया है, याद है मुझे। अगर इजाजत दे तो लियो से आपकी तस्वीर बनवा के उसे नए महल में आवेजा करवा दूं। मरहूम परदादा सुल्तान मेहमद खान ने भी मशहूर इतालवी मुसव्विर बेलिनी से तस्वीर बनवाई थी। मुनासिब है पारगली, क्या कहते हो फिर? लेकिन मेरी एक शर्त है, तस्वीर पसंद नहीं आई अगर मैं उसका सर कलम करवा दूंगा। आपकी ये शर्त लियो को बता दूंगा मैं, आप फिक्र ना करें। रोतेलिया का सबसे खूबसूरत घर बनाऊंगा तुम्हारे लिए, अपने हाथों से, हम दोनों के ख्वाबों जैसा घर। तुम्हें वो घर बहुत पसंद आएगा। हमारे घर में 3 कमरे होंगे, एक कमरा हमारा, एक कमरा बच्चों का, और पीछे की तरफ एक बहुत खूबसूरत बागीचा होगा, फलदार दरख्त होंगे वहाँ। कितने होंगे हमारे बच्चे? बहुत सारे होंगे बच्चे, बड़ा सा कुंभा होगा। फिर तो तुम बच्चों के ही होके रह जाओ। एलेक्सेंड्रा कहाँ खो गई तुम? लियो साहब, आज जल्दी आ गए तुम, कैसा चल रहा है काम? ठीक है, कर रहा हूं बस। बहुत अच्छे लियो, एहतियात करो, तुम गिरकर हड्डियां ना तोड़वा लेना। मैं तुम नहीं हूं जो गिर जाऊं। वाह, तुमने मेरे बारे में काफी मालूमात हासिल कर ली, शाबाश। वो क्या है लियो? तुम्हारी वजह से मुश्किल में फंस गई मैं, कैसी मुसीबत खड़ी कर दी सर पर। मल्लिका, मैं तो अभी भी बोले जा रही हो, शुक्र करो तुम्हारी जबान नहीं काटी मैंने। सुबह बखैर वालिदा, अच्छी खबर होगी इंशाल्लाह। तबीबा खातून, देखो खुशखबरी ही सुनाना। इंशाल्लाह मल्लिका। गुल्लेहाल, उठो जल्दी से, माहिदौरा के कमरे में जाओ, जाके देखो मुआयना करके गए तबीबा। क्या जरूरत है अभी, हो जाएगा मालूम बाद में। मैं फौरन मालूम करना चाहती हूँ, फिक्र हो रही है मुझे, चलो जाओ। अल्लाह तुम्हें अकल दे सादिका, इस तरह अचानक आके तुमने दम ही निकाल दिया मेरा।
मुझे जाना है लाजमी, वालदे सुल्तान इंतजार कर रही हैं। ठीक है तो बदलो कपड़े। किस सोच में पड़ गई हो तुम सादका? मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? कल रात तुम सो रही थी तो सुम्बुल आगा आए थे। इब्राहिम पाशा को यकीन आ गया है कि तुम बेकसूर हो। आगे पहुंचने से पहले ही मसला खत्म हो जाएगा। मौजू आगा को सजा मिलेगी क्या? रुको रुको, ऐसा मत करो, रुको, मुझे कुछ बता रहे, सुनो, वो औरत लतार है, लतार है, सुल्तान सुलेमान को। तो क्या खबर है, बोलो शहजादा आ रहा है ना? माफी चाहती हूँ मैं मलिका, उम्मीद से नहीं। पक्की बात है? देखो अच्छी खबर देना खुदारा, क्या हुआ है? अच्छी है या बुरी ये तो नहीं कह सकती, बस खबर है। माहिद और उम्मीद से नहीं है। उदास मत हो इस तरह, और कई शहजादों की मां बनोगी तुम। खुदा सुहाग सलामत रखे। जी आमीन। कैसी है मलिका? मालूम हुआ है कि आप उम्मीद से हैं। मुबारक हो, खैर होगी इंशाल्लाह। गलत इत्तला दी आपको किसी ने, अब ये मौजू खत्म हो चुका। अफसोस है मुझे, मगर गम ना कीजिए, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, बहुत शहजादे आएंगे। ये काम मुझे भी सिखा दो तुम। आता है तुम्हें, तुम उस्ताद हो यार। नहीं, मेरा काम कुछ और है और ये कुछ और। तो ठीक है, सिखा दूंगा। सर खर्चाता भी तुम्हारा हो, तुम्हें मालूम भी ना होता। दिलावेश, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बेचैनी हो रही है कि जल्द मुकम्मल हो जाए। लियो, तुम्हें एक बहुत अहम काम सौंप रहा हूं। सुल्तान सुलेमान खान की तस्वीर बनानी है तुम्हें। हर किसी को नसीब नहीं होता यह मुकाम, खुशकिस्मत हो तुम। मतलब जी, कल सुबह महल में ले आओ उसे, सुल्तान मुलाकात करेंगे। मुझे तो अब डर लगने लगा है तुमसे हो रहा हूं।
इस तरह कैसे चलेगी मुबारकबाद देने तुम? सब यही चाहते हैं ना कि मैं इताअत करूं, तो मैं कर रही हूं इताअत। मैंने तकदीर के आगे सर झुका दिया तो और भी गम बरसने लगे हैं मुझ पर। तकदीर से भला कौन लड़ सकता है माहे दौरा? शायद नसीब में ही नहीं था, मायूसी गुनाह है। मुझे महल में मकाम बनाने के लिए एक और शहजादे की मां बनना होगा। कनीज होकर फौकियत ले गई है वो। आका की तवज्जो और बेरुखी इसी पर मुनसर है। मैं खतावार बन गई हूं शहजादी, मेरी तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं अब तो वो। दिल से उतर गई हूं उनके मैं। माहे दौरा, खुदारा चुप हो जाओ, आइंदा कभी ऐसी बात सोचना मत। जैसा कहें आप। घुट घुट कर मर जाऊं ये भी कर दिखाऊंगी शहजादी। सब कुछ अकेली खाओगी क्या? नहीं, मेहमत भी खा रहा है। क्या करूं, पेट ही नहीं भर रहा। मुझे पसंद है बिरयानी। इसी तरह खाती रही तो मुल्क में चावलों का जखीरा खत्म हो जाएगा। हुरम खातून भूख देखकर तो लग रहा है जैसे उम्मीद से इतना ही खाती थी उस वक्त भी। कहीं वाकई उम्मीद से तो नहीं? जाओ तबीबा को लेकर आओ फौरन। छोड़ो ना, अब ऐसा भी नहीं है। जो भी है मालूम हो जाएगा। मुझे भी शक होने लगा है। हाय अल्लाह, मुझे सबर अता कर दे। Thank you.
हाँ बताओ। उम्मीद से हैं आप मलिका? सुना तुमने निगार का अल्फा? एक और शहजादा आ रहा है। बहुत खूबसूरत महल है, रंगारंग रोशन। हाँ वाकई। हाँ लियो, तुम्हें यहाँ के कायदे कानून नहीं मालूम, तो आगा की आमद के वक्त जैसा हम करें वैसे ही तुम करो। जी बेहतर, समझ गया। इस हफ्ते माहिदौरा को भी ले चलूंगी तुम्हारा महल दिखाने। थोड़ी बहुत चीजें रहती हैं और पर्दों के रंग भी मुंतखब करने हैं और उस तरह से एक सब्ज छपर खट भी बनवाते हैं। वालिदा सुल्तान। आओ हुरम, खजीना के महल की आरास्तगी पर बात कर रहे हैं हम लोग, तुम भी कुछ राय दो। इसलिए हाजिर हुई थी मैं, कुछ बताना था आपको, मगर खैरियत है? खैर है बिल्कुल वालिदा सुल्तान। कल आप पोते की नाउमीदी से बहुत अफसरदा थी, आज मैं आपको खुशखबरी देने आई हूं। उम्मीद से हूं। मेरे आका, मुसव्विर लियो आ गया है, वो शाही बागीचे में आपका मुंतजर है। ख्याल खूब आया तुम्हें पारगली। मलिका ठीक तो है? तो रखो हाथ से। मलिका मैं आपके लिए निगार जाऊं, उसी की खिदमत बचा लाऊं, हुरम शैतान की। मलिका अपना ख्याल रखें खुदारा। खुशखबरी मैं अभी आका को सुनाना चाहती हूँ वालिदा सुल्तान, और आपकी इजाजत चाहती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, जाओ फर्जंद को ये मुद्दा सुनाओ, लेकिन तुम इस बार बड़ा बोल नहीं बोलना कि तुम्हें बेटा ही होगा। अल्लाह को ये पसंद नहीं, याद रखना हुरम, औलाद सेहतमंद हो, बस यही दुआ करना। आपकी नसीहत गिरा से बांध ली है। खजीना सुल्तान, क्यों ना आप भी मेरे साथ चले, ये खबर हम मिलकर बादाब। सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। देखो मौतब रहना, आका आ रहे हैं। इधर इधर। हरम की खवातीन की आमद पर करते हैं सिर्फ इस तरह, बादशाह से पीठ नहीं मोड़ते, सर कलम हो जाएगा। चुको। आका
आका किरम के मुसाफिर लियो को आपकी खिदमत में पेश करने का एजाज हासिल करता हूँ। खुश आमदेद लियो। वालिदा हफ्सा सुल्तान भी किरम की है। हम बहुत चाहते हैं किरम वालों को। तुम्हारे चर्चे सुने हैं, चलो देखते हैं अब सुनी सुनाई कहां तक दुरुस्त है। इब्राहिम पाशा भी वही होंगे, उन्हें भी देख लीजिएगा। काफी दिन है अभी तो शादी में, इंतजार नहीं होता ना आप? हाँ, लेकिन इतने ज्यादा दिन भी नहीं है, रिवाज है इसलिए नहीं मिल रहे। ख्वातीन मोहतरम, सुल्तानी मौसम और इब्राहिम पाशा शाही बागीचे में हैं। फिर वही चलते हैं हम। आका को खुशखबरी सुनानी है हमें। खैरियत है? क्या खुशखबरी है मलिका? मलिका, मेरे मुंह में खाक हो, कोई मसला हो गया क्या? मलिका खुदारा कुछ कहिए, क्या हुआ? आपकी कैफियत ठीक नहीं लग रही मुझे। एक भयानक ख्वाब है गुलशा, जो फिर से शुरू हो गया है। हम उम्मीद से है फिर। सही कहा, बहुत भयानक है। मालिका इजाजत दें, जान ले लेती हूं रम की। मत घबराओ, अपने काम में जैसे आसानी हो वैसे करो। ठीक है? शुक्रिया। ऐसा करें, नजरें सामने की तरफ और सीधा शाना इस तरफ। जी अब ठीक है। इब्राहिम, अगर तस्वीर मुझे पसंद नहीं आई तो मुसव्विर का सर कलम करा दूंगा, बता दिया ना? को बैठी हो गुलशा, बताओ कैसे रोगी तुम हुरम की जान? सिर्फ आप हुक्म करें मलिका, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। कोई मुसीबत खड़ी करोगे? तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। ऐसा कुछ मत करना, आई समझ? मगर बस चुप कर जाओ। मेरी जान पर पहले कोई कम दुख है?
अब मजीद अजाब सवार नहीं करने मुझे। खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत है मेरे आका। खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ मैं उम्मीद से हूँ शहजादा आएगा इंशाल्लाह। मेरी हुरम, तुमने तो मुझे निहाल कर दिया, तुम्हें ताबत शादमानियां मिलेंगी। अलेक्सेंड्रा, लियो। मेरे आका तहे दिल से मेरी तहनियत कबूल फरमाए। शुक्रिया इब्राहिम, अल्लाह करे कि तुम्हारी और खजीना की जिंदगियों में भी सदा खुशियों के गुलाब खिले और अल्लाह हमें भी नेक औलाद अदा करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दाया, तुम माहिद और आका बहुत ख्याल रखो, उसका दुख समझ सकती हो तुम, हिमाकत ना कर बैठे। बेफिक्र हो जाए मलिका, ख्याल रखूंगी। मलिका, खता माफ, आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूं। क्या बात है, बोलो सादका। मलिका, मैं उदास हूं बहुत। आप बहुत अजीम खातून हैं, मगर शायद मुझसे कोई कोताही हो गई, तभी दूर किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं सादका, बल्कि हकीकत यह है कि मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। सलीकामंद हो तुम बहुत, हमारी खजीना का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है तुमसे बेहतर, इसलिए तो मैं वहां भिजवा रही हूँ। खजीना की तुम दिल से खिदमत करोगे, जानती हूँ। मेरे आका, मुसव्वर को इंतजार करवाना है क्या? नहीं, अभी नहीं, बाद में बुलवा लेंगे। कौन है ये लोग? इब्राहिम की मुलाकात एक माहिर मुसव्वर से हुई है, उससे मेरी तस्वीर बनवाना चाहता है, अपने महल में आवेजा करवाएगा। बहुत अच्छा है, मैं भी तस्वीर बनवाना चाहती हूँ आपके साथ, क्या कहते हैं आप? देखते हैं, पहले मेरी तस्वीर बन जाए उसके बाद बनवाते हैं। आकाश अहले खाना के हमरा हैं, तुमको फिर बुलवा लिया जाएगा। तुम्हें क्या हो गया, चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा? कुछ नहीं, रात सोया नहीं तो इसलिए पाशा। तो फिर बेहतर है तुम आराम करो, खुदा हाफिज मत रखो। चलो सामान समेटो। ये खवातीन कौन थी? वही जो महल में आई थी। एक तो खजीना सुल्तान है, आका की छोटी बहन, और इब्राहिम पाशा की होने वाली अहलिया, और दूसरी हुरम सुल्तान। हुरम? हाँ, तुम्हारे ही इलाके की हैं, किरम की रहने वाली, किसी पादरी की बेटी, मगर अब आली मर्तबत सुल्तान सुलेमान की बेगम है, उनके दो बच्चों की माँ, और तीसरे की बनने वाली हैं। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक एक पल गिन के गुजार रहा हूँ मैं आजकल, नींद उड़ गई मेरी तो। आहिस्ता, सुन लेंगे वो। विसल की साथे करीब आ गई है, हमारी शादी इंतहाई शानदार होगी शहजादी।
वो वक्त आ गया जिसका आपको शिद्दत से इंतजार था। आखिर आपका ख्वाब सच हो ही गया। देखिए कितना एहतमाम किया है सुल्तान ने, पूरा मुल्क जश्न मना रहा है। हाँ शेर बच्चे, तुम भी साथ चलना चाहते हो? जी हाँ बाबा, खवातीन में तो मैं बेजार हो जाता हूँ। खवातीन के सामने ना कह देना, खफा हो जाएंगी। बाबा आज से शाही जश्न शुरू हो गया है, इब्राहिम ने साथ ले जाने का वादा किया था मुझसे। ठीक है मुस्तफा, ये काम खत्म हो जाए तो चलते हैं। ये मुलाकात मेरे लिए एक हैरत बनकर आई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब हम मिल सकेंगे। मिलन से कबल आपके दीदार किए बगैर भला कैसे जा सकता था। बस जरा ही देर में रवाना हो रहा हूं, ये जुदाई सहनी होगी हमेशा के लिए मिलने से पहले। आपकी तैयारियां तसव्वुर की आंख से देखूंगी, हर लम्हा तसव्वुर में होंगे आप। आप मुझे ना देख सकेंगे मगर मैं होंगी आपके साथ, मुझे महसूस कीजिएगा आप। मुझे तो यकीन है कि शबे उरूस तक आपके इंतजार में नींद मेरी आंखों से रूठी रहेगी। मेरे दिल की गवाही ले, धड़कन सुने। मेरे लिए धड़क रहा है, कह रहा है जिंदगी जन्नत बनने वाली है। बहुत जल्द मुझे जाना है शहजादी, उजरा मेरा इंतजार कर रही है। अलविदा मेरी जान, मेरी रूह। ठीक है जाइए। पाशा इज्जत मकान, बहुत मुबारक हो आपको, कायम और दायम रहे आपकी मोहब्बत। हमेशा खुश रहो निकार कालफा। शानदार जश्न है। हाँ मोहतरम, खुशामदीद, खुशामदीद। आपके क्या हाल है रसूलबंदी? बहुत शुक्रिया, खुदा का बहुत शुक्र है जिसने खुशी का ये दिन हमें दिखाया। हाँ औरों को भी सोचना चाहिए इस खुशी के दिन के लिए। ए, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं कुंवारा बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी यही सोचा करता था भाई, लेकिन मोहब्बत ने अचानक मुझे अपना असीर कर लिया। आओ उधर चले। सुल्तान जिंदाबाद, शहजादे मुस्तफा जिंदाबाद, जिंदाबाद शहजादे मुस्तफा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखा आपने मुस्तफा,
कितनी मोहब्बत करती है अवाम आपसे। मुझे भी अवाम से मोहब्बत है। सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह सलामत, इस एजाज के लिए आपके मशकूर हैं कि आप इब्राहिम की शादी में शरीक हैं। मुझे और मेरे बेटे नेकू को बेहद खुशी है। बहुत खुशी हुई हमें भी आपसे मिलकर। कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ आपको? बादशाह सलामत, तकलीफ का तो सवाल ही नहीं। हम तो माही की रहे, कोई खता हो गई है तो माफी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बल्कि आपके घर वालों के साथ हैं। देखते ही तुम्हें पारगाली का गुमान होता है। जुड़वा भाई होना भी अल्लाह ताला की क्या नेमत है, इसकी कदर करो। तुम्हारे भाई से मुझे बहुत मोहब्बत है। तस्वीर वाला मामला तो दरमियान में ही रह गया, लेकिन इस शादी के बाद फिर शुरू करेंगे। तुम मेरे लिए एक और तस्वीर भी बनाओगे? जैसे आपका हुक्म हो मेरे आका। मुकम्मल कर ली यहाँ की तस्वीर कशी? कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, हल्का सा दर्द था, एकदम खत्म हो गया। कुछ नहीं, बस क्या हुआ? खवास बनकर जा रही हो शहजादी की, बड़ी लगन से काम करना होगा तुम्हें। महल से दूर हो जाऊंगी, ये दुख है मुझे। मुझे तो हुरम खातून की तरह बनना था, शहजादे की माँ। भूल जाओ इस बात को, तकदीर से गिला करने का फायदा है कोई? फिर न जाने कब हो आका का दीदार। ऐसा भी क्या हुआ?
देख लोगे। इब्राहिम पाशा आका के बेहद करीब है, लगा रहेगा उनका आना जाना। आते रहेंगे? हाँ आते रहेंगे भैया, लेकिन तुम ख्वाब देखने में बेचैन, काम खत्म करो अपना। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है मुझे। खुद को जश्न में तुमने थका जो लिया था, वैसे सच कहूं तो बहुत दिलकश लग रही थी। अच्छा चलो उठ जाओ, बहुत अहम दिन है, खजीना की रुखसती है आज। काफी दिन से जा रही है तकरीबात, शादी खत्म हो जाएगी ना आज तो। घबरा गई हो क्या? नहीं, मगर आपसे मुलाकात नहीं होती ना, बस बहुत हो गया, अब मेरे पास ही रहो। सुलेमान फिर जा रहे हैं आप? बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। खजीना को आएगा ना पसंद, क्या ख्याल है? अगर शहजादी को पसंद ना आए तो मुझे दे दीजिएगा, आशिक हो गई हूं मैं इसके। तुम तो खुद मेरा कीमती हीरा सबसे। खजीना मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा निकाह हो गया है, आज से वजीर आजम इब्राहिम पाशा की जोजा हो। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। हो रही हूँ मैं आज इस घर से, मगर खुदा रा अपनी मोहब्बत की छांव से रुखसत ना कीजिएगा। आदाब! सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। खजीना मेरी आंखों के नूर, तुमसे वादा किया था, देख लो आज उसे पूरा कर रहा हूं। तो खुशी इसी में है कि हमेशा शाद आबाद देखूं तुम्हें मेरी आका। जिंदगी की आखिरी सांस तक ये गुलूबंद कभी भी नहीं उतारूंगी।
सुल्तान सुलेमान की हमशीरा खजीना सुल्तान के साथ आपका निकाह आपकी जानिब से मुकरर करदा वकील एयास पाशा और खजीना सुल्तान के मुकरर करदा वकील मुस्तफा पाशा की मौजूदगी में पढ़ाया गया है इब्राहिम पाशा। अल्लाह जोजैन को रिश्ता मुबारक करे और दायमी खुशियां नसीब हों इंशाल्लाह। तुम्हारे लायक तो नहीं लेकिन कबूल करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बेटा कभी भी मछली के शिकार को जाओ तो इसे इस्तेमाल करना, मेरी याद आएगी। बाबा बाबा आपकी मौजूदगी, आपका मेरे साथ होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सबसे कीमती तोहफा है। ये तकला मुझे कभी भी भूलने नहीं देगा कि असल में मैं कौन हूं। इसको हमेशा फखर से अपने साथ रखूंगा, खुशबख्ती का निशान है ये। दिन हो गए हैं, ये जश्न दिन और कितने दिन चलेगा? इब्राहिम पाशा की खुशी ही इतनी बड़ी है और आज तो दुल्हन की रुखसती भी है महल से। सोना निछावर किया गया, अशरफियां लुटाई जा रही हैं गलियों बाजारों में, हजारों लोग शिकम सैर हुए हैं दावत आम से। अल्लाह बरकत दे। इतना भी नहीं लुटाया जाता माले हुकूमत, खजाना खाली हो जाएगा। सुल्तान जंग पर जाएंगे तो फिर से भर जाएंगे खजाने। इस तरह जश्न में मदहोश रहने वालों के आसार तो नहीं जंग पे जाने के। खामोश हो जाओ कदरे नाशनासो, जोश और बलगरात तुम्हारे अब्बा जान ने फतेह किए थे। इतना शिकम सेर होकर शुक्र अदा करने की बजाय उंगलियां उठा रहे हो उन पर। तुम अपना शिकम तो देखो जरा, कदर तो तुम्हें नहीं। हलाल खाने से नहीं होता इतना बड़ा शिकम। हाय, होश में तो हो, क्या बक रहे हो तुम बेअदब। शुक्र गुजारों की सबसे खारिज हो चुके तुम मालूम। तुम लोगों को तो खैरात देना भी आराम है, कुछ भी देना आराम है। छोड़ो मुझे। घबराहट हो रही है। शहजादी मत घबराएं, आपका खुशियों भरा घर आपका मुंतजर है। कितना यादगार दिन है, सब लोग खुशबाश हैं। सही कह रही हो ना मलिका? होरम खातून, दिखावा मत करो ज्यादा। तुम कितनी फरेबी हो हम ये जान गए हैं अच्छी तरह। अब धोखा नहीं दे सकती तुम, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हुआ है। मेरे साथ अच्छा रवैया रखे मलिका, इसमें आप ही का फायदा होगा।
दुल्हन के घर वाले किस तरफ से आएंगे? देखो लड़के, वो उस तरफ से आएंगे, यहाँ से गुजरकर उधर जाएंगे। इंतजार करो यहाँ। समझ गया, शुक्रिया। शुक्रिया। सल्तनत की तारीख में ऐसी शादी कभी नहीं। सही है, लेकिन दोदोश की फतह से हासिल होने वाली दौलत कैसे यहाँ लुटा रहे, और वो भी मुकर्रब खास इब्राहिम पाशा की खातिर। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 दिन से जश्न मना रहे हैं लोग, और कब तक मनाएंगे? हुरम, क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। यूं ही दर्द उठता है, कोई खास बात नहीं। अभी वक्त है शहजादे को आने में। ये क्यों कहती हो? पिछली बार भी शहजादे की रट लगाई हुई थी, बाद में कितना मजाक उड़ा। मजबूर हूँ, होना शहजादा ही चाहिए। माहे दौरा का एक शहजादा है, मैंने नीचा दिखाना है उसे। गुल निहाल, दुआ करना। आपको तहे दिल से मुबारक हो इब्राहिम पाशा। आपकी शादी का तोहफा आज ही पेश करना चाहता था, लेकिन जहाज आने में ताखीर हो गई। आपके लिए सरबराह वेनिस ने पैगाम तहनियत भेजा है। शुक्रिया मोचिनेगो साहब, आपका तोहफा मेरे लिए हीरे जवाहरात से बढ़कर कीमती होगा। 2-3 रोज में अतालबी में इस कुर्सियों का तोहफा आप तक पहुँच जाएगा। वो हमारी नशिस्त तुआम होती है, आरजू है कि कभी हम आप साथ तनावल फरमाए। सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, सफीर वेनिस अब क्या चाहते हैं हमसे? ये नामुमकिन मुतालबात मनवाने के लिए खुशी के दिन की ताक में रहते हैं। मुबारकबाद देने आए हैं मेरे आका, सरबराह वेनिस का तहनियती मकतूब भी लाए। अच्छा, खुशी नसीब करे। मेरे आका, इस गोहरे बेबदल ने मेरी शान बढ़ा दी। खजीना सुल्तान कितनी खुशकिस्मत है, उनकी कैसी शाही शादी हुई है। मेरे नसीब में तो यह दिन देखना नहीं था, मगर यह दिन मेरी बेटी महरमा जरूर देखेगी।
इब्राहिम और माह दौरा वो महल में नहीं रहेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। शहजादा आ रहा है गुलनिहार, अभी वापस मुड़ो, मलका को दर्द हो रहा है। سلطان سلیمان خان علی مقام، اس بے مثال تقریب میں آپ سے ملاقات جمہوریہ وینس کے نمائندے کے لیے کے اعزاز ہے، ازرہ عنایت ہماری مبارکباد قبول فرمائے۔ یہ گھڑی سربراہ وینس نے بطور خاص آپ کے لیے تیار کروائی ہے، جب دیکھیں گے وقت گزرتا ہوا محسوس ہوگا۔ شکریہ پہنچا دیجئے گا، لیکن میں وقت کو دیکھ کر وقت ضائع نہیں کرتا، اپنا ہمیشہ وقت سے آگے چلتا ہوں۔ खजीना यहां बैठो मेरे पास, बेहान, गुलफाम, माहे दौरा तुम भी आओ। हुरम कहां है दाया? हमारे पीछे ही थी उनकी सवारी। निगार काल्फा, हुरम खातून कहां है मालूम नहीं मुझे। शायद हुजूम के बाइस पीछे रह गई, जाकर देखें फौरन। हुरम सुल्तान की सवारी वापस चली गई महल। कैसे हो सकता है, मालूम कैसे हुआ? कुछ कुछ नहीं मालूम। निगार काल्फा, जाओ जाकर सूरत हाल मालूम करो, क्या माजरा है फौरन बताओ। باشه خورم، او قبیلم بانکر خری کدیر خورا گربا، شتی که نم آوا بریم کانت کایا دی راکشه، راکشه، من از این قوب دم سلیمان نکی کس لیرنیا میرے آقا، شادی کا اتنا شاندار اہتمام کرنے پر آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تم دونوں کے لیے نہ کرتا تو کس کے لیے کرتا؟ ایک طرف میرا بیش قدر خزینہ اور دوسری طرف میرا سب سے جگری دوست، دونوں کے لیے جتنا کرنا۔
कम है। बाबा मेहमत दिखाई नहीं दे रहा, आया नहीं क्या? आया होगा बेटा। संभल। जी मेरे आका। पूरम खातून क्या पहुंची नहीं अभी तक? अभी इस बारे में मालूमात लाता हूँ आका, आप बेफिक्र हो जाएं। वालदाए सुल्तान, कोचवान ने अभी आकर खबर दी है, हुरम सुल्तान को अचानक दर्द उठा, इसलिए वापस जाना पड़ा। फौरन रवाना कर दीजिए किसी को, उसे अकेला नहीं होना चाहिए। निगार काल्फा गई है, उनका ख्याल रखेगी मलिका। मेरे अल्लाह तो बहुत बड़ा है, मदद करा मेरी लड़की पैदा हो, बल्कि इसी आलम में मर जाए इंशाल्लाह। मेरी मलका क्या आंसू तो थमे। क्या हुआ है बताओ मुझे, बेटा हुआ है ना? गुल निहाल, निगार, हुरम खातून चांद से शहजादे तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। ए हुस्न दिलावेज, ए इश्क की आन बान, नसू की जान कुर्बान तुझ पे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, तुम हो, अभी मेरा दिल रुक जाता। क्या कर रहे हो तुम, पीछे हटो यहां से। चलो चलो, दाया जो भी खबर है जल्दी बताओ हमें, कुछ तो बोलो। मलिका शहजादे की मुबारक हो। अल्लाह तू कितना करीब है, एक ही दिन में दो खुशियां दे दी मुझे। निकार लाओ मेरे बेटे को। हाय, हुरम सुल्तान, अल्लाह ने भी आपकी जिद की लाज रखी। देखा मैंने कहा था ना। पारगाली, हम खुश हैं बहुत। शहजादा आया है, एक और मुल्क में खुशियां मनाई जाएं, तो पैदा की जाएं। मेरे आका, हमारी खुशियां दुबाला हो गई हैं। अल्लाह आपको और शहजादे को उम्र तवील अता फरमाए। सलामत रहो।
मालिका ने हमें एक और खुशी दे दी। अल्लाह माँ बाप के साए में खुशियों के साथ परवान चढ़ाए, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वालिदा, अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। इब्राहिम पाशा आते ही होंगे, मैं चलती हूँ अब। अभी मत जाओ गुलफाम, थोड़ी देर बाद चली जाना। कितने जमाने से राह देख रही थी आप इस साथ की। अब ये वक्त आपका और इब्राहिम पाशा का है शहजादी। वालिदा सुल्तान नौ मौलूद शहजादी का नाम रखने की रस्म में आपको याद फरमा रही है मलिका। आप चाहेंगी क्या मलिका? ये ज्यादती नहीं आपके साथ, अब आप उस घटिया औरत की महल सरा में जाएंगी। महल के रिवाजों पर चलना पड़ता है, इस वक्त उसकी दहलीज पर जाना मेरी मजबूरी है। हाँ जाऊंगी गुलशा। बहुत मुबारक हो पाशा। गुलफाम खातून, तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। तुम ना होती तो यह ख्वाब शायद ताबीर तक ना पहुंचता। तुम्हारा एहसान रहेगा। शहजादी की कदर कीजिएगा आप, उन्हें दुख ना दीजिएगा, कभी उनका दिल ना तोड़िएगा, उन्हें खुश रखिए। मेरा एहसान खुद ब खुद उतर जाएगा। उन्हें जान से बढ़कर अजीज रखूंगा मैं। से बचाए, हमेशा खुशवास रहे शहजादे। सलामत रहो माहिरा सुल्तान। शहजादे का नाम मरहूम बाबा के नाम पे रख रहा हूं, सुल्तान सलीम खान जैसा बेमिसाल फातेह होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। सही सही, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। لا إله إلا الله. صلي
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہمارے شہزادے کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صالح رکھے طاہر، آمین. اللہ بختور بنائے، آمین. اللہ سلطنت کا سچا خادم بنائے، آمین. ابراہیم پاشا اور خزینہ سلطان کی شادی میں 50,000 لوگوں نے شرکت کی. ملک بھر میں 15 روز تک ایسا شاندار جشن منایا گیا جس کی نظیر نہیں ملتی. قسطنطنیہ کی گلیوں میں عوام و خاص دن رات اظہار مسرت کرتے رہے. ابراہیم پاشا اب صرف سلطنت کے وزیراعظم نہیں، خاندان شاہی کے داماد بھی بہت طاقتور ہو گئے. شاہی محل کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھول دیے گئے. عوام خوش تو بہت تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلسل جشن منانے اور کثیر دولت لٹانے سے کچھ پریشان بھی ہو گئے. سلطان سلیمان کے دستے یعنی چری کے فوجی ناخوش تھے.
रुदोश की फतह हासिल करता दौलत गलियों में निछावर की जाती रही। ऐन शादी के रोज सुल्तान सुलेमान के यहां एक और बेटा पैदा हुआ, रूसी कनीज हुरम सुल्तान के वतन से। शहजादे का नाम सलीम रखा गया है। वेनिस से ताल्लुक रखने वाले इब्राहिम पाशा से खुशगवार ताल्लुकात कायम करना खासा सहल है। हमारे हमवतन और हमजबान पाशा का तुर्क सल्तनत में होना एक नेमत है। वेनिस का सफीर उनके साथ गर्मजोशी बढ़ाए, तोहफे तहाइफ भेजे उन्हें। सलीम, पुप्पो की जान, तुम्हारी ये नर्म गुलाबी गाल खा जाऊं, मेरी जान हो तुम, कितने खूबसूरत हो। बहुत अच्छा किया जो आ गई, इतनी ख्वाहिश थी मैं क्या शादी में शरीक ही ना हो सके। सच है ये तो, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तुम कैसी हो, अब तबीयत बेहतर है? बस खुद ही उठ गए बिस्तर से, थक गई थी मैं इतने दिन से लेटे लेटे। बागीचे में जाकर चहलकदमी करना चाहती हूँ, ये महल से रात तो कैद खाना है। खूबसूरत है, किसने दिया है हुरम? माहिदौरा सुल्तान ने दिया है ये। बहुत अच्छा है, दोनों खुश रहें, इसी तरह से हम भी सुकून में आ जाएं। हम तो सुकून में आ गए, मगर तुम अपनी सुनाओ, खुश हो ना तुम? हाँ बहुत खुश हूं, लग रहा है जैसे हवाओं में उड़ रही हूं, बादलों से भी कहीं ऊपर। अपनी उंगली नीचे करो, हाँ ऐसे, यहां से खींचना है, खींचो खींचो खींचो, हदफ पर नजर रखो, दायरा मरकज निगाह हो, तसल्ली करो और छोड़ दो। शाबाश, चलो शाबाश, अब एक और चलाओ, पूरी तसल्ली करो, आराम से आराम से, तसल्ली हो जाए तो छोड़ दो। आफरीन शहजादे, मेरे आका। कैसे हो पारगली, तुम्हारी शादी पर तीरंदाजों को देखा तो मुस्तफा भी निशानाबाजी पर इसरार करने लगा। इब्राहिम, मैं सबसे माहिर तीरंदाज बनूंगा। इब्राहिम कहते हो, इतने बड़े हो गए हो क्या तुम, इन्हें इब्राहिम पाशा कहा करो, इब्राहिम पाशा या सिर्फ पाशा। मेरे आका इजाजत हो तो शहजादे जो भी कहे मुझे अच्छा लगेगा, हमारी तो दोस्ती है ना, क्यों शहजादे? हाँ बिल्कुल, तलवारबाजी की मशक कब शुरू होगी पाशा? अगले हफ्ते हम फौजी मशक चलेंगे, वहाँ आपको आकर के खास जंगजुओं से मिलवाएंगे। लकड़ी की तलवार से नहीं करूँगा मशक। ठीक है, तुम बच्चे थोड़ी हो, आहनी तलवार से मशक करवाएंगे। मेरे आका, वेनिस का सफीर आज मुलाकात का मुतमन्नी है, आप सिर्फ बख्शेंगे क्या? तुम मिल लो काफी है, उनसे पूछना जरा कि लूथर की कोई ताजा खबरें आई हैं। इसके अलावा कल शाम खजीना सुल्तान और ये गुलाम आपकी ज़ियाफ़त करना चाहते हैं। यकीनन आएंगे। आका, शहजादे, मुझे इजाजत। चलो शाबाश। बाजू ऐसे जोर पीछे रहे, ताकत से खींचो और पीछे, हदफ दिख रहा है ना, इत्मीनान होते ही छोड़ दो। खूबसूरत शह पा रहे हैं ये तो, काबिल तारीफ फनकार हो तुम। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा काम खत्म हो गया तुम्हारा? इब्राहिम पाशा दूसरे कमरों में भी तस्वीरकशी करवाना चाहते हैं कुछ, फिर काम खत्म होगा। क्यों, अभी तो आका की तस्वीर भी बनानी है तुम्हें। कोई खास दिलचस्पी नहीं उनकी, शायद बनवाना नहीं चाहते मुझसे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है।
माजरत चाहती हूँ, आप लोग यहाँ मौजूद हैं मालूम नहीं था। विक्टोरिया साथ का खातून, आपको कुछ अहम बात बतानी है। बगीचे में मुलाकात हो सकती है? नामुमकिन है, ये किसी ने देख लिया तो सुल्तान सुलेमान सर कलम करवा देंगे। घबराओ मत, ये आगा का महल नहीं, यहाँ ना सुंबुल है ना दाया। चलो तुम आराम करो, मैं अब चलती हूँ, वालिदा इंतजार कर रही होंगी। बहुत शुक्रिया, खुशी हुई आपके आने के। माहे दौरा। शहजादी, आपकी आमद कैसे हुआ? फिक्र थी कहीं मिले बगैर ना चले जाए। पहले शहजादे को देखना चाहती थी। खजीना सुल्तान को आपका दिया हुआ तोहफा बहुत पसंद आया और मुझे भी। अभी तक वालिदा से मिलने नहीं गई हूँ, चलो अब साथ चलते हैं। क्यों नहीं शहजादी? दो शहजादों की मां बनकर ज्यादा खुश ना हो। कौन सा शहजादा सुल्तान बनेगा, असल बात यह है। वो विक्टोरिया नहीं, वो मेरा मतलब सादका, सादका खातून। हाँ सादका खातून, मैं इसको इसे। अरे क्या हो गया नसू साहब? नसू साहब ज्यादा देर नहीं ठहर सकूंगी। जी फरमाइए। देखो मैंने ये तस्वीर तुम्हारी खूबसूरती को हमेशा याद रखने के लिए बनाई है। कैसी लगी? कुछ कहोगी नहीं तुम? माफ कीजिएगा, मैं इजाजत चाहूंगी। खातून जाने से पहले मेरी तरफ देख तो लो तुम एक नजर, सिर्फ एक बार अल्लाह के वास्ते। मैं चलती हूँ मोहतरम, हमें कोई देख ना ले। साथ वालदाई जान, मेरी प्यारी बेटी, कैसी रौनक है चेहरे पर, बहुत खुश हो यकीनन तुम। सादका से मुतमईन हो ना? बिल्कुल मुतमईन हूँ वालदा, सादका अच्छी कनीज है, बहुत मेहनती है और बादब भी है। हाँ सही कहा, आजकल ऐसी कनीजें बहुत कम ही होती हैं। खजीना मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, किसी दिन तसल्ली से आना और सुबह से शाम तक मेरे पास रहो। वालदा अगर कल शाम आप हमारी तरफ आ जाए तो अच्छा हो जाएगा बहुत। देखिए ना, महल भी आपकी कदम बोसी का मुंतजर है। गुलफाम आप, माहे दौरा, ज़ियाफ़त है हमारे यहाँ आप लोगों की। हाँ हाँ क्यों नहीं। वालिदा हम जरूर आएंगे खजीना। पाशा अली मुकाम, आपके लिए सरबराहे वेनिस ग्रीति का तहनीती मक्तूब और पापा आजम का पैगाम लाया। तहे दिल से शुक्रिया मोहतरम मोचेनेगो। पादरी लूथर की सजाए जिलावतनी जारी रहेगी क्या अब भी? बिल्कुल, पादरी लूथर की सजा जारी है। ना काबले माफी शख्स,
जब एक बार ये करार दे दिया जाए तो सजा खत्म नहीं हो सकती। पाशा अली मकाम, आपकी शादी को तोहफा लेकर जहाज बंदरगाह पर आ गया था, वहाँ से आपके महल भिजवा दिया गया है। दूसरे बंदरगाह पर हमारे ताजरों को आपके बहरी अमले के बायस कुछ मसाइल दरपेश हैं, उनके गोदाम भी लूट लिए हैं। हम आपकी तवज्जो के तलबगार हैं। ठीक है, घबराए मत, इस मामले पर अयाज पाशा से बात करता हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। आखिर और क्या चाहती हो? माहे दौरा सुल्तान खुद आ गई और तोहफा भी दिया तुम्हें। उसका तोहफा जाए जहन्नम में। मुझे कह के गई है कि बेटा होने पे खुश मत हो, मुस्तफा तख्त नशीन होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसका मकसद। जवाब मत दो तुम, बस अपनी राह चलो, किसी से मत उलझो। ये नहीं होता मुझसे, उसकी शक्ल देखते ही जैसे जिन आ जाता है मुझ पर, रोकती हूँ खुद को मैं। उसकी ये खुश अखलाकी सिर्फ सुल्तान को दिखाने के लिए है, बस सब दिखावा है। मलिका तैयार हो जाए, सुल्तान सुलेमान के हमरा जाना है आपको, वो आपके मुंतजिर है। आका के साथ जाना है मुझे। गुलनिहाल को ढूंढे, उससे कहीं फौरन आए और बच्चों को संभाले। खुश आमदीद शहजादी। कैसी हैं दाया खातून? वालिदा, मुझे गुरूब आफ्ताब से कबल वापस पहुंचना है, कल शाम मुंतजर रहूंगी। लेकिन हुरम खातून को कहना भूल गई, जाते हुए मधु करती जाऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें वालिदा। आपने देर कर दी शहजादी, हुरम खातून जरा देर पहले रवाना हो गई। रवाना हो गई, क्या कह रही हो? सुल्तान मौजम के साथ रवाना हुई है। लेकिन गए कहां है वो? इन खूबसूरत लबों से जिस जगह का भी हुरम नाम लोगी, उसी जगह ले जाएगी ये बगी। आप मेरे मालिक हैं सुल्तान, जहां आपके कदम पड़ेंगे मेरी जन्नत वही है। तुम गए नहीं अभी तक? पाशा, आप ही का इंतजार कर रहा था। पाशा, एक मशवरा लेना है आपसे। खैर तो है, उससे बात नहीं हुई क्या? हो गई, आपकी मेहरबानी से हो गई, और हिम्मत करके इजहार भी कर दिया। अच्छा, नतीजा? मैंने तो दिल खोलकर रख दिया और वो हिरनी की तरह भाग गई वहां से। अरे तो क्या करती मतरक्ष, तुम्हारे हाथ में हाथ दे देती फौरन। सब्र मेरे दोस्त, सब्र। इश्क सच्चा है तो वो जरूर मिलेगी मतरक्ष जी। इंशाल्लाह पाशा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सफीर वेनिस ने मुझे मेज कुर्सियां तोहफातन भेजी थी, आ गई वो? वल्ला मालूम नहीं मुझे, क्यों? खैर है। हाँ, ये क्या कर रही हो? मैं बचपन से यही करती हूँ।
मेरी अम्मी जान कहा करती थी, मिट्टी पर नंगे पांव चला करो, तुम्हारे अंदर जितनी भी परेशानियां हैं ये खींच लेगी, तुम्हें सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। तुम्हारी अम्मी सही कहती थी, इंसान को सुकून सिर्फ मिट्टी में हासिल होता है, लेकिन किसका मिट्टी के अंदर है किसका बाहर ये कोई नहीं जानता। कदर बढ़ गई दूसरे शहजादे की माँ बनती, खुशनसीब औरत है, जो चाहती है हो जाता है वो, और सुल्तान तो उसकी मुट्ठी में है, असल हुक्मरान तो हुरम खातून ही है। खादमा मुंह क्या देख रही हो, लेकर जाओ कनीजों को। दो दिन हो गए शहजादों से मेरी मुलाकात नहीं हुई ताया, उनसे मिलने का दिल चाह रहा है। जी भर के प्यार करें मलिका, हुरम और सुल्तान तो देर से लौटेंगे। ये अपने साथ न जाने कैसे तौर तरीके लाए, मेरी बात याद रखना, हुरम का इश्क बड़े फितने उठाएगा देख लेना। खूबसूरत शहजादी। इब्राहिम कहां से आई है मिस? वेनिस के सफीर मोचे निगो ने तोहफे में दिए, साथ में कुर्सियां भी हैं, किनारों पर चांदी का काम है। शहजादी तामे शब इसी मेज पर तनावुल किया करेंगे अब हम। तायराने मोहब्बत हैं, हर दम इजहार इश्क करते रहते हैं, फिर भी ये प्यासे रहते हैं उम्र भर मोहब्बत के। तुम्हारे हैं ये, मैं भी उम्र भर मोहब्बत करूंगी तब भी प्यासी रहूंगी। सुलेमान मेरी मोहब्बत, सुलेमान प्यासी रहोगी, प्यासी रहोगी। मेरे अलमा से बेवाह आपके हुस्न जवाल ने फरोजा कर दिया मेरी जिंदगी को। मुझे खुद से हिजाब आने लगता है इतनी तारीफ सुनकर। खुदा करे हमारी ये जन्नत हमेशा कायम रही यूं ही।
आशिक हो तो खुद को नाचीज समझो, अगर बादशाह हो तो खुद को कमतर गुलाम समझो। है मेरे इश्क तुम्हारे रुखसारों की ये लाली, इन गुलों पर हिजाब का रंग बनकर उतर आई है। तुम परी हो, इश्क में मेरी दीवानगी समझना चाहो तो मेरे दिल में रोशन आतिश को देखो। ऐ मुहिब्बी, अगर रूह की सरशारी चाहते हो तो हर शह का शीनी पहलू देखो। जिंदगी तो आरजी है फरेब न खाना, एक जर्रे की तरह हमेशा पानी समझना खुद को। अभी तक नहीं लौटे मलिका, रात बहुत हो गई है, आप इंतजार ला हासिल है। بروي من دالا كان شاوري مان مصر سے قدی زادے میمت آفندی کا مکتوب آیا آپ کے لیے پاشا खबर है पाशा? कदीजादे मेहमत आफंदी ने अहमद पाशा और ममलूकों के गठजोड़ के सबूत हासिल कर लिए हैं। अहमद पाशा, तुम्हें आफियत रास नहीं। फिर गद्दार बनने के दर पे हो।